नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म की देश ही नहीं दुनिया में कितनी चर्चा हो रही है। सभी को मालूम है 1980 और 1990 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था, उस पर आधारित ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो सभी को मालूम है, लेकिन इस कहानी को लेकर क्या हालात पैदा हो रहे हैं और क्या माहौल बन रहा है, मेरी खबर उस पर आधारित है। दरअसल ये फिल्म देश दुनिया में न सिर्फ बड़ा बिजनेस कर रही है बल्कि काफी नाम कमा रही है। 7 दिनों का इसका कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन बात करें इस फिल्म को लेकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसकी, उस प्रचार प्रसार में भाजपा की जो राजनीति है, गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो सामने जरूर आ रही है। दरअसल मैं फिल्म के कंटेंट को लेकर, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिल्म की कहानी को लेकर उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो दौर क्या था और वो पीड़ा उन लोगों ने कैसे सही, वही लोग जान सकते हैं। उसमें कौन दोषी है कौन नहीं है ये भी विषय नहीं है। विषय ये है कि कहीं भी अपराध हो तो जितना जिम्मेदार अपराधी होता है उतनी ही जिम्मेदार सरकार होती है। और उस दशक में, 1990 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार थी जिसको भाजपा का समर्थन हासिल था। भाजपा समर्थित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, राज्यपाल शासन था, राष्ट्रपति शासन। और राज्यपाल जो थे वो थे जगमोहन जी, जो कि भाजपा के नेता थे। इनके होते हुए इस तरह से कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ, उसमें भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। जो भाजपा को उस समय कदम उठाना चाहिए था भाजपा ने नहीं उठाया। लेकिन आज इस फिल्म के आने के बाद में भाजपा ये दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस ने इस साजिश के पीछे कांग्रेस थी, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है ये झूठ ही नहीं सफेद झूठ है। दूसरी बात कि एक तरफ जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुझे खुद इन बातों की जानकारी इतनी नहीं थी। जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा तो मैंने भी गूगल किया, आप भी गूगल कीजिए और जानकारी निकालिए कि उस दशक में कौन सरकार में था और क्या परिस्थिति थी। एक बात वो हुई, दूसरी बात ये कि जो अभी का माहौल है, इस माहौल में कपिल शर्मा जो चर्चित टीवी स्टार है, उनका एक अपना प्रोग्राम है द कपिल शर्मा शो, उसमें वो हर मूवी का प्रमोशन करते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने प्रमोशन करने से मना कर दिया। अब ये क्यों किया नहीं किया यह विषय यहां चर्चा का नहीं है क्योंकि जिसकी जो विषय वस्तु वो जाने। लेकिन उनका विरोध काफी हो रहा है और विरोध कौन कर रही है, वही भाजपा कर रही है। जो भाजपा खुद, जो बीजेपी खुद उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्मोस्तम हुए तब आंखें मूंद कर बैठी थी, वही भाजपा आज नौटंकी करते हुए कपिल शर्मा शो का बहिष्कार कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपाई कुछ लोग फिल्म सिटी में गए, वहां पर जाकर कपिल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की और कपिल शर्मा के शो में इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताई, ज्ञापन भी दिया। इसके साथ ही साथ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भाजपा इस फिल्म को लेकर काफी दुष्प्रचार फैला रही है। सोशल मीडिया पर आप देखने जाएंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिसने इस त्रासदी को करीब से देखा है। वो लोग खुद बताते हैं कि कैसे उस त्रासदी से उन्होंने उस समय झेली थी, लेकिन तब जो राजनीति नहीं हुई थी वो आज राजनीति हो रही है। आज उस राजनीति करने की क्या जरूरत है? तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो चेहरा है उसको, उसके ऊपर जो नकाब है उसको हटा रही है। दोस्तों, आपसी सद्भाव जो है हमको, हमारा पहले से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, लेकिन ये जो लोग सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं इनसे बचने की जरूरत है। फिल्म कोई भी हो, स्टोरी कोई भी हो, न फिल्म को लेकर कोई राय है, ना ही कोई आलोचना है। फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई, एक स्टोरी दुनिया के सामने लाए, काफी अहम स्टोरी है, क्या हुआ था उस जमाने में उसको दिखाया गया है। मैं सिर्फ यहां बात कर रहा हूं भाजपा की दोहरी राजनीति। भाजपा इतने समय से, उस समय सत्ता में थी, सत्ताधारी थी, और आज 8 साल से सत्ता में है, उसके बावजूद भाजपा ने उन निर्वासित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। और आज जब कपिल शर्मा ने अपने शो में इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया तो भाजपा उनके दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए भाजपा का ये फिल्म सिटी का प्रदर्शन वाला वीडियो। आगे आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूं, नमस्कार। उन्होंने बहुत ज्येष्ठ कलाकार जो है, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी है और हमारे अनुपम खेर जी है, उनको, उनका अपमान किया है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स को जो प्रमोशन के लिए मना किया है, कश्मीर फाइल्स कोई देशद्रोही की फिल्म नहीं है, देशभक्तों की फिल्म है, तो मना करने की वजह क्या है? उनको सिर्फ कहीं से और फंडिंग आता होगा कपिल शर्मा को, इसके लिए उन्होंने मना किया है कि वो कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन नहीं करेंगे। देश की खाते हैं, फिल्म सिटी शासन का, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की खाते हैं, और गवर्नमेंट की फिल्म जो गवर्नमेंट देश के इतिहास दिखाती है, हिंदुओं का, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो दिखाती है, उसको प्रमोशन करने के लिए मना कर देते हैं, तो क्यों करते हैं? इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? इनके पास किसका पैसा आ रहा है और ये क्यों कर रहे हैं? इसका हम लोगों ने जानकारी मांगा है, और 15 दिन के अंदर कपिल शर्मा के शो की जानकारी हमें नहीं मिली है, क्यों ऐसा किया है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कपिल शर्मा से बाहर करेंगे। आज हम लोग गए थे MD से मिलने, कपिल शर्मा सेट बन करके भाग गए, लेकिन हम लोग 15 दिन के बाद फिर वापस आएंगे। बीजेपी लगातार टैक्स फ्री करने के लिए भी दबाव बना रही है, इसको लेकर? जी हाँ, टैक्स भी तो होना ही चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होना चाहिए। बहुत बड़ी हिंदुओं की तादाद महाराष्ट्र में है, और जो पंडितों पे, कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार कश्मीर में हुआ है, लोगों का आज आँख खुल गया है, उनको पता चल रहा है कि जो 370 धारा थी वो क्या थी, उसको हटाना क्यों जरूरी था, मोदी जी ने, अमित जी ने कितना बड़ा काम किया है, वो लोगों तक आज पहुँच रहा है। और बहुत लोगों को ये जलन हो रही है कि लोगों तक ये क्यों पहुँच रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, लाइटें बंद की जा रहे हैं, स्क्रीनिंग रुकवाई जा रही है, लेकिन ये दबेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दबेगी नहीं, और ये फिल्म पूरी तरह से, एक तो टैक्स भी होगी, और इसके विरोध में जो जो रहेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।